नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। बॉलीवुड के गलियारों में ये हल्ला जोरों से है कि नटी विनोदनी की आत्मकथा पर एक फिल्म बनने जा रही है और इसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। क्या आप जानते हैं कि बंगाल के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक विनोदनी दासी कौन थी? उनका नाम नटी विनोदनी क्यों पड़ा? उस दौर में मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाली विनोदनी आखिर रंगमंच की दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया था? उन्हें किसने धोखा दिया था? वैश्यवृत्ति के लिए जन्मी एक लड़की कैसे बनी थिएटर की देवी? एक ऐसी कलाकार जो अपनी आत्मकथा में खुद को वैश्या शब्द से संबोधित करती है। भारत की पहली महिला थिएटर आर्टिस्ट विनोदनी दास कहिए, विनोदनी दासी या फिर नटी विनोदनी, वैश्या या फिर महान कलाकार, सब एक ही है। संघर्ष, कला, हुनर और जज्बे के मिश्रण का नाम है विनोदनी दासी। आज के अनसुने किस्सों के सफर में कहानी विनोदनी दासी की, जिनकी माँ एक वैश्या थी, बचपन में खुद भी इसी प्रोफेशन में पली, लेकिन किसने इनके सपनों में पंख लगाया और फिर कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के रखेल तक बन गई, लेकिन जो भी मिला बस इनके साथ खेला, जिसे गुरु मानती थी वो भी इनके साथ दगाबाजी कर गया, फिर भी कैसे खुद को संभाली, जानेंगे ये सारी बातें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर एक। साल था 1863, जगह कोलकाता की एक बदनाम गली, हाउस नंबर 149, कॉनवली स्ट्रीट, रेड लाइट एरिया में जन्म हुआ एक छोटी बच्ची का। परिवार में नानी, माँ और एक भाई था। पिता को तो विनोदनी ने कभी देखा ही नहीं। उनकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और अपने जिस्म की कमाई से अपना घर चलाया करती थी। घर की स्थिति खराब होने के कारण मात्र 5 साल की उम्र में ही विनोदनी के भाई की शादी कर दी गई ताकि कुछ दहेज मिल जाए और घर सही से चल पाए। लेकिन मात्र 8 साल की उम्र में ही उनके भाई का निधन हो गया और दहेज के पैसे भी खत्म हो गए। फिर से घर की हालत वही हो गई। अब मजबूरन विनोदनी को भी जिस्म के धंधे में उतरना पड़ा और बेहद कम उम्र में ही विनोदनी भी प्रोस्टिट्यूट बन गई। कम सिन उम्र के कारण उन्हें अपनी जिस्म का अच्छा दाम मिल जाया करता था। किस्सा नंबर दो। विनोदनी दासी के घर के कुछ कमरों को किराए पर भी लगाया जाता था। इसी में रहने आई उस दौर की मशहूर गायिका गंगाबाई। अपने घर में इतनी बड़ी गायिका को देख विनोदनी को उनकी माँ ने संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया और विनोदनी संगीत की शिक्षा गंगाबाई से लेने लगी। इसी दौरान विनोदनी अपने दोस्तों के साथ एक दिन थिएटर में एक प्ले देखने चली गई। इस प्ले का इन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपने घर में आकर साफ कह दिया कि अब वो एक्टिंग ही करेंगी और इसी से पैसे कमाएंगी। 12 साल की उम्र में उनका जुड़ाव रंगमंच से हुआ। 1874 में कलकत्ता के नेशनल थिएटर में उन्होंने अपना पहला रोल निभाया, नाटक बेनी संहार, जिसमें विनोदनी ने छोटा सा रोल किया था। उनके रोल का नाम था, या यूं कहूँ तो उनके कैरेक्टर का नाम था, सखी। इस थिएटर की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी, जो एक जाने माने कलाकार, लेखक और निर्देशक थे। लेकिन हेमलता प्ले में हेमलता के किरदार निभाने के बाद विनोदनी को असली पहचान मिली। उनका नाम हर जगह होने लगा। 11 साल के करियर में नटी विनोदनी ने लगभग 80 भूमिकाएं निभाई। यह वो दौर था जब बंगाली थिएटर पर यूरोप का प्रभाव बढ़ रहा था। विनोदनी ने सीता, द्रौपदी, राधा, आयशा, कैकई, मोती बीबी और कपाल कुंडा के किरदार निभाए। वो कैरेक्टर को सिर्फ निभाती नहीं थी, उसमें अपनी जान लगा देती थी। यहीं से उन्हें नटी विनोदनी का नाम भी मिला। किस्सा नंबर तीन। नटी विनोदनी के नाटकों की लोकप्रियता समाज के हर वर्ग पर अपना असर दिखा रही थी। उस समय बंगाल के आध्यात्मिक समाज के सबसे सम्मानजनक संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1884 में नटी विनोदनी का नाटक देखने गए थे।
उनके बारे में प्रचलित है कि नटी बिनोदनी को कृष्ण की भूमिका में देखने के बाद परमहंस उनसे बेहद प्रभावित हुए थे। नटी बिनोदनी सिर्फ मंच की कलाकार नहीं बल्कि तकनीक के मामले में भी काफ़ी एडवांस थी। उन्होंने बंगाली थिएटर में मेकअप के समकालीन तकनीकों को जोड़ा, साथ ही यूरोपियन स्टाइल का भी समावेश किया। बिनोदनी ने कई बार एक ही नाटक में कई अलग अलग कैरेक्टर्स भी निभाए, जो उस वक्त बड़े बड़े कलाकार के बस की बात नहीं होती थी वो बिनोदनी बड़े आराम से कर जाती थी। एक बार बिनोदनी ने मेघनाद वध नाटक में 6 अलग अलग किरदार निभाए थे। बिनोदनी इकलौती ऐसी कलाकार थी जो पुरुषों तक के रोल खुद करती थी। जिस जमाने में पुरुष महिला का किरदार निभाते थे, उनकी आवाज़ निकालकर गाना गाते थे, उस जमाने में बिनोदनी मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही थी। वो सही मायने में एक क्रांतिकारी महिला थी। किस्सा नंबर 4। नाटक के लिए बिनोदनी खूब मेहनत किया करती थी। हर रोज की मेहनत और देर तक काम करने की वजह से वे बीमार पड़ गईं। उन्होंने एक महीने की छुट्टी मांगी और खुद को ठीक करने के लिए काशी धाम गई। वहाँ उनकी तबीयत और बिगड़ गई, इसलिए वापस आने में लगभग एक महीना और लग गया, यानी कि उन्हें वापस आने में 2 महीना लग गया। कोलकाता लौटकर वे फिर से थिएटर से जुड़ गई, लेकिन उन्होंने सुना कि थिएटर मालिक प्रताप चंद्र जौहरी उनकी छुट्टियों का भुगतान नहीं करना चाहते। बिनोदनी ने ऐलान कर दिया कि अगर छुट्टियों की अवधि के वेतन का भुगतान न हुआ तो वे काम नहीं करेंगी। फिर जैसे ही प्रताप बाबू आए, बिनोदनी ने अपना वेतन मांगा। कैसा वेतन, तुमने तो काम किया ही नहीं, प्रताप बाबू ने हंसते हुए कहा। अभिनय करते हुए तबीयत खराब होगी तो वेतन नहीं मिलेगा क्या? इस सवाल का कोई जवाब ना पाकर बिनोदनी घर चली आई। बिनोदनी को मनाने के लिए गिरीश चंद्र घोष और अमृत मित्र उनके घर गए तो वे बोली, महाशय मुझे अधिक वेतन चाहिए और जो पैसा बाकी है उसका कोई बंदोबस्त कीजिए, वरना मैं काम नहीं करूँगी। 19वीं शताब्दी के समाज में जहां स्त्रियों के स्वतंत्र वजूद को ही नहीं माना जाता था, यह विनोदनी अपने अधिकारों के प्रति इतनी सचेत थी कि उन्होंने वेतन न मिलने पर प्रताप चंद्र के थिएटर को छोड़ने का फैसला ले लिया। तब के समाज में विनोदनी ने पुरुष से कुछ कम होना नहीं चाहा। बिनोदनी दासी ने आजीवन समाज में स्वयं को मनुष्य समझे जाने की लड़ाई लड़ी। किस्सा नंबर 5। बिनोदनी ने उस समय के फेमस एक्टर और नाटककार गिरीश चंद्र घोष से एक्टिंग की बारीकियां सीखी थी। वो उन्हें अपना मेंटोर मानती थी। दोनों साथ में प्ले किया करते थे। बिनोदनी गिरीश चंद्र को अपना मेंटोर तो मानती ही थी, साथ में मन ही मन उन्हें पसंद भी किया करती थी। जैसा वो कहते थे बिना कोई सवाल किए वैसा बिनोदनी करती जाती थी। अब गिरीश चंद्र घोष एक नया थिएटर बनाना चाहते थे, इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए था। तब गिरीश चंद्र को एक मारवाड़ी बिजनेसमैन मिला जिसका नाम था गुरुमुख रॉय। गुरुमुख पैसा देने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि बिनोदनी को मेरी रखेल बनकर रहना होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। बिनोदनी को अपनी कला से तो प्यार था ही, उसके अलावा उनके दिल में कोई था तो वो थे उनके मेंटोर गिरीश चंद्र घोष। तब गिरीश चंद्र ने अपने थिएटर के लालच में बिनोदनी से कहा, तुम इनकी रखेल बनकर रह जाओ, क्या दिक्कत है, हमारा थिएटर तो बन जाएगा और इस थिएटर का नाम मैं तुम्हारे नाम पर रखूंगा। अपने गुरु की बात मानकर बिनोदनी तैयार हो गई, गुरुमुख की रखेल बनकर रहने भी लगी और इधर थिएटर भी बनना शुरू हो गया। जब थिएटर बनकर तैयार हुआ और नाम रखने की बारी आई तो सवाल करने वाले लोग खड़े हो गए। उनका कहना था कि थिएटर का नाम एक गिरी हुई वैश्या और रखेल के नाम पर कैसे हो सकता है। जब बवाल बढ़ने लगा तो थिएटर का नाम बिनोदनी ना होकर हुआ स्टार थिएटर ग्रुप। इस घटना ने बिनोदनी को तोड़ कर रख दिया, लेकिन अपनी कला के प्रति प्यार कहे या कुछ और कि इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी इस थिएटर का पहला शो बिनोदनी ने ही किया। उसके बाद उन्होंने इस थिएटर ग्रुप के लिए 3 और प्ले किए, लेकिन वो कहते हैं ना, जस करनी तस भोग विधाता।
छह महीने बाद ही ये थिएटर डगमगाने लगा। इसकी हालत खराब होने लगी। जब गुरुमुख की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने फैसला किया कि अब मैं थिएटर बेच दूंगा और इसका आधा हिस्सा विनोदनी को दे दूंगा। जब ये बात गुरुमुख ने गिरीश को बताई तो गिरीश चंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। विनोदनी के लिए ये दूसरा धक्का था कि जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानती थी उसी ने दो दो बार मेरे साथ खिलवाड़ किया। अब विनोदनी का थिएटर से मन उचटने लगा था। वो टूट चुकी थी और प्ले करना बंद कर दिया था। एक रिपोर्ट की माने तो विनोदनी गुरुमुख के अलावा और दो मर्दों की रखेल थी। उनकी एक बेटी थी जिसकी 12 साल की उम्र में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। किस्सा नंबर 6, विनोदनी का आखिरी नाटक चैतन्य लीला था। हर तरफ उनके टैलेंट के चर्चे थे, लेकिन विनोदनी ने इस नाटक के बाद संन्यास ले लिया था। वो पहली महिला कलाकार थी जिन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी। 1912 में आमर कथा में विनोदनी ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखा। बस ये ही नहीं बताया कि उन्होंने अचानक नाटक के मंच से मुंह क्यों मोड़ लिया। इसके बाद 1924 में उन्होंने अमार अभिनेत्री जीवन लिखी, जहां उन्होंने अपने जीवन में घटे कई उतार चढ़ाव को लिखा। किताब में उन्होंने कहीं कहीं अपने साथ हुए धोखे का जिक्र किया है, लेकिन ये बात भी साफ तौर से नहीं की गई है जिसे माना जाए कि धोखा ही मुख्य वजह है उनके थिएटर को अलविदा कहने की। वो अपनी आत्मकथा लिखने वाली दक्षिण एशिया की पहली अभिनेत्री थी। विनोदनी एक्ट्रेस थी, सिंगर थी, उन्हें लिखने का भी शौक था। वे कविताएं भी लिखती थी और अपनी सरल और स्पष्ट शैली में कई कहानियां भी लिखी। विनोदनी इकलौती ऐसी कलाकार थी जिनका नाटक देखने खुद बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस आए थे। इनके अलावा विक्रमचंद्र चट्टोपाध्याय और स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्तियों ने भी विनोदनी के प्ले देखे हैं। विनोदनी दासी ने अपनी आत्मकथा में अपने बारे में तो लिखा ही है, इसके साथ ही उस दौर के समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी प्रकाश डाला है। वह विशेष रूप से महिलाओं और अभिनेत्रियों के प्रति पाखंड के बारे में खुलकर बोलती दिखती हैं। ऐसे समय में जब अभिनेत्रियों ने खराब परिस्थितियों में काम किया, उनको लोगों की नज़रों में नीचा समझा गया, उन्हें बुरी महिला माना गया, यहाँ तक कि मेहनताना के मामले में भी पुरुषों से नीचे रखा गया। उन्होंने 19वीं सदी के तथाकथित प्रबुद्ध बंगाली समाज पर तीखी टिप्पणी की है, जिसने यूरोपीय मूल्यों को अपनाया लेकिन महिलाओं की आज़ादी को संदेह और अविश्वास की नज़र से देखा। इतना ही नहीं, जो भी महिला स्त्रीत्व की धारणाओं के अनुरूप नहीं रही उसकी निंदा की गई, उसे घर तक सीमित रखने की कोशिश की गई। वो खुद एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के बावजूद अपनी बैकग्राउंड की वजह से ताने झेला करती थी। अपनी आत्मकथा में विनोदनी इतनी ईमानदार है कि उन्होंने खुद को एक वैश्या कहा है। अपने अंतिम समय में विनोदनी अपनी माँ के घर में ही रहने लगी थी, वही घर जहाँ से एक प्रोस्टिट्यूट का सफ़र एक महान कलाकार बनने के लिए शुरू हुआ था। 1941 में 79 वर्ष की उम्र में, यानी कि 79 साल की उम्र में इसी घर में विनोदनी के सफ़र का अंत हो गया। जिस विनोदनी के नाम पर एक थिएटर का नाम रखने पर इतना बवाल हुआ था, आज उसी विनोदनी के ऊपर कई प्ले होते हैं, कई फिल्में बनी, कई सारी बिल्डिंग्स और सड़कों के नाम इनके ऊपर हैं। नटी विनोदनी पर पहले भी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। साल 1994 में दीनेन गुप्ता की बंगाली मूवी नटी विनोदनी में देवाश्री रॉय ने उनका किरदार निभाया था। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के फेमस फिल्म मेकर ऋतुपर्ण घोष ने भी उन पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम अबोहमान है। इसमें अनन्या चटर्जी ने विनोदनी का किरदार निभाया। उन पर टीवी सीरियल भी बना है। अब कंगना रनौत हिंदी में विनोदनी पर फिल्म लेकर आ रही हैं। आज के सफर में बस इतना ही। आपको इनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।